हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। और फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है कद्दू, खट्टा मीठा कद्दू, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और पूरी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज से मेरी 3 रेसिपी आएगी वीक में, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन। खट्टा मीठा कद्दू बनाने के लिए मैंने ये लिए हैं, मैंने ये हाफ आम ले लिया है, ये कच्चा आम है। और ये मैंने कद्दू को छील लिया है और उसको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने जीरा और मेथी लिया है और मैंने टेस्ट के अनुसार शुगर लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। तो मैंने अब कुकर में थोड़ा हाफ बाउल वाटर लिया है और उसके अंदर मैं ये कद्दू को ऐड कर दूँगी और इसके और मैंगो को भी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो ये मैं ऐड कर दे रही हूँ इस तरह से। अब इसके अंदर मैं 1/2 स्पून जो है साल्ट ऐड करूँगी और 1/2 स्पून हल्दी ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं इसको कुकर बंद करके सीटी लगा लूँगी। मैं इसमें मैं जो 2 सीटी केवल लगाना है। तो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे कद्दू बिल्कुल बॉयल हो गए हैं अच्छे से। इसको हम चेक कर लेंगे, देखिए एकदम अच्छे से हो गया है ये। और उसके बाद जो इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो थोड़ा हम निकाल लेंगे और इस तरह से मैं थोड़ा सा मैश कर लेंगे इसको स्पून से। और मैश करने के बाद अब हम इसमें तड़का लगाएंगे और उसके बाद फिर मैं तड़का लगा लूँगी। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है उसमें और जीरा और मेथी को मैंने ऐड कर दिया है और उसके अंदर मैंने चिली को भी ऐड कर दिया है। ये मैंने तड़का लगाया है और फिर उसके बाद इसके अंदर जो कद्दू बॉईल किया है मैंने उसको मैं ऐड करूँगी, देखिए इस तरह से। और कद्दू को ऐड करके फिर अच्छे से हमको इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से। मिक्स करके हम थोड़ी देर इसको पका लेंगे, उसके बाद इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी। और आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं और शुगर भी ऐड कर सकते हैं या दोनों ऐड कर सकते हैं, आपका इच्छा है, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला और 1/4 चिली पाउडर मैंने ऐड किया है और इसको ऐड करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और पूरी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैंने साल्ट ऐड कर दिया है लास्ट में अपने टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हमने पहले बॉईल करते समय भी ऐड किया था तो उसके अनुसार ही ऐड करना। मैं शुगर ऐड कर दे रही हूँ, इसकी जगह आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, आपके चॉइस है, वो आपको जो पसंद हो वो ऐड करें। तो फ्रेंड्स, ये यूपी बिहार स्पेशल डिश है जो कि बहुत ही फेमस है वहाँ की और ये शादियों में भी बनाई जाती है और बहुत टेस्टी लगती है, सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। तो अभी 1-2 मिनट पकने के बाद वापस से मैंने देख लिया है ओपन करके, तो देखिए अब मेरा कद्दू बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है देखने में, कितना खाने में बहुत टेस्टी है ये। तो मेरा कद्दू बिल्कुल रेडी है, अब मैं सर्व कर रही हूँ, देखिए अब मैं एक बाउल में सर्व कर लूँगी इसको और ये बहुत ही टेस्टी बना है और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा खट्टा मीठा कद्दू रेडी है, एकदम ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और फिर और अगर अच्छी और लगती है तो आप ज़रूर बताइए और मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे।